बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और आपके लिए लेकर आई हूँ मैं शो टेस्ट विद हायर। टेस्ट विद हायर में मैं मज़ेदार डिशेस बनाती हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ चिली बेक्ड फिश, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और चिली बेक फिश में मैं आपके लिए बनाऊँगी हायर के माइक्रोवेव ओवन में, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा ये रेसिपी। क्यों ना हम इस रेसिपी का आगाज़ करें और मैं आपको बताऊँ कि रेसिपी में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें फ़िश की ज़रूरत होगी और फ़िश मैंने ऑलरेडी पायरेक्स में डाल दी है, इसलिए डाल दी ताकि हम बेक करते वक्त हमें जो है इसी डिश में ही इसी डिश को हम जो है वो ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, ग्रीन चिलीज चाहिए, गार्लिक पेस्ट होगा, क्यूमिन सीड्स होंगे, लाल मिर्चें हैं ये, और साथ ही हम काली मिर्चें डालेंगे, लेमन जूस, सॉल्ट और क्रश चिलीज। ये सारे अज्जा के साथ साथ हम इसमें बटर भी डालेंगे। अच्छा, अब मैं बताती हूँ पहले हम इसका मिक्सचर कैसे बनाएंगे। हमने लेना है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। वो लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन, इसमें हम डालेंगे काली मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, इसमें हम नमक डालेंगे हसबे ज़ायका, क्यूमिन सीड डालेंगे। अच्छा, क्यूमिन सीड मैं ऐसे नहीं डालूँगी, इसका एक तरीका है डालने का। क्यूमिन सीड हमेशा जब भी इस्तेमाल करें तो इसको तो मैं ज़रा सा पेस्ट को मिक्सचर बना कर यहाँ पर रख छोड़ूँ, ठीक है। लेमन जूस भी डाल देते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में डालते हैं। इसमें हमने क्रश चिलीज़ भी ऐड करने, तो क्रश चिलीज़ भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। तकरीबन क्रश चिलीज़ भी हमने 1 टीस्पून डाली। सब चीज़ों को मिक्स करके इसमें हम रखते हैं, मिक्सचर बना लिया हमने। अच्छा, साथ ही हम इसमें क्या करेंगे कि जो ग्रीन चिलीज़ हैं उसको हम थोड़ा सा चॉप 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 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रीन चिलीज़ का एक अपना फ्लेवर होता है, एक अपना अरोमा होता है, जब ये बेक होगा ना तो ये बहुत अच्छा अफेक्ट देगा, जो फील है वो बहुत अच्छी आएगी इसकी एंड द टेस्टी में। अच्छा, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी बड़ी काट रहे हैं कि ये एक, अच्छा क्या होता है कि बड़ी काटने से जिसको खानी है खाए, नहीं खानी नहीं खाए, तो साइड पर भी कर सकते हैं, लेकिन अरोमा जो है ना इसका वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम यूज़ कर रहे हैं हायर का हॉप, और ये जो है ये बहुत अच्छा है, इसका टेम्पर्ड ग्लास है इसका, और इसकी ख़ास बात ये है कि नॉन ब्रेकेबल है। अच्छा, दूसरी ये भी चीज़ है कि ऑटोमेटिक ऑन होने का सिस्टम भी इसमें, जो जो इसकी जो फ्लेम है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, और इटालियन फ्लेम इसका जो है बहुत ज़बरदस्त इक्वली बैलेंस वो जो है फ्लेम देता है। तो इसके ऊपर हमने रखा है ये पैन और इसको हम हीट करेंगे। हीट आ रहा है, तकरीबन 1 टीस्पून इसको मैंने डाल दिया क्यूमिन सीड का, और डालने के बाद इसे हम हल्का हल्का सा गरम करेंगे। जैसे ही ये आप देखेंगे कि ये अपना अरोमा छोड़ने लगा है, ये देखें, देखें क्यूमिन सीड जैसे ही अपना अरोमा छोड़ने लगेगा, आपने क्या करना है इसको को आपने डाल देना है फिश के ऊपर, और थोड़ा थोड़ा सा छिड़कते जाएंगे ताकि पूरे फिश पर ये आ जाए, ठीक है जी। ये हो गया इस तरह से डन। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो मिक्सचर बनाया था, ये आप देख रहे हैं ना ज़बरदस्त सा, ये हमने पूरे इसमें फैला देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये फैलाने के साथ साथ मैं जाऊंगी हायर के रेफ्रिजरेटर की तरफ और इसमें से लेकर आऊंगी मज़ेदार बटर। अच्छा, ये बटर जो है मैं इसको इसी बोल में डाल देती हूँ। इसकी वजह ये कि जो इसमें ऑलरेडी अपना जो चिली का फ्लेवर है और सब है वो इसी में रहेगा, और थोड़ा सा ये टफ हुआ हुआ है तो हम इसको सॉफ्ट कर देंगे इस तरह से करके। अब हमने हर जगह पर थोड़ा थोड़ा बटर जो है वो लगा देना है।
स्पेशली हम कॉर्नर्स में डालेंगे ताकि जब ये बेक हो तो पूरा कॉर्नर्स कॉर्नर्स जो है इसके वो अच्छी तरह से। अच्छा, पहले एक चीज़ मैं और बता दूँ कि फ़िश को मैंने रखने से पहले पायरेक्स में मैंने पूरा जो लेयर है इसकी लोअर लेयर उसमें मैंने ऑयल जो है उसको ग्रीस मतलब ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अच्छा ये देखें, ये पूरी फ़िश अब जब ये बटर जो है मेल्ट होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मेल्टेड इसलिए नहीं डालते क्योंकि ये जब बेक होने जाएगा तो ये मज़ीद मेल्ट हो जाएगा, तो हमें इसलिए शुरू से इसको मेल्टेड नहीं डालते हैं। अब मैं इसको डालूंगी माइक्रोवेव अवन में और ये होगा बेक। जी नाज़रीन, ये लाइम चिली बेक फिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप ये देखें इसकी शक्ल, इसका फ्लेवर, इसका अरोमा, टू गुड। और स्पेशली जो हमने इसमें बटर और चिली का फ्लेवर साथ में लाइम के साथ डाला है बहुत मज़ेदार होगा। आप जब इसे ट्राई करेंगे तो यकीन आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि ये फ़िश बेक्ड हुई है और वो भी माइक्रोवेव अवन में। आप भी इसको ट्राई करें, यकीनन आपको भी अच्छी लगेगी। मैं इसकी रेसिपी एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ कि आपने जो पायरेक्स लेनी है उसको आप पहले से ग्रीस कर लेंगे, उसके ऊपर आपने फ़िश रख देनी है, फिर आपने बोल लेना, उसमें आपने 1 टीस्पून ऑयल डालना है, उसमें आपने क्रश चिलीज 1 चम्मच डालना है, 1 चम्मच आपने नॉर्मल चीनी डालना है, 1 चम्मच आपने काली मिर्च डालनी है, फिर आपने सॉल्ट टू टेस्ट डालना है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि मछली में अपना सॉल्ट भी होता है। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है लेमन जूस डालकर, और फिर लेमन जूस डालने के बाद आपने इसके अंदर गार्लिक पेस्ट भी डालना है और इसको आपने वन साइड रख देंगे। फिर आपने चिलीज ऊपर थोड़ी सी बिछानी है और क्यूमिन सीड को थोड़ा सा आपने भूनना है, भून कर आपने इस मछली के ऊपर डाल देना है और फिर आपने पूरा पेस्ट भी डाल देना जो हमने इसका बनाया था मछली के लिए। फिर आपने बटर ऊपर ऐड करना है और उसके बाद इस फिश को आप बेक करेंगे जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स आपने बेक करना है और उसके बाद ये रेसिपी तैयार है। इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, इसको आप जो है मैश पोटैटो के साथ, बेक पोटैटो के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप सैलड के साथ भी खा सकते हैं। सो ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ये फ़िश किस तरह से खानी है। गार्लिक ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। तो ये फ़िश बिल्कुल तैयार है, यकीनन आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और थोड़ी सी डिफरेंट भी लगेगी। यूजली लोग जो है रेसिपी को पता लगे बेक फ़िश कैसे बनेगी, तो उनके लिए ये बेक फ़िश बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके साथ ही आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। और ये भी बता दूं मैं कि हायर का हुड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह जब भी आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं या आप कुछ पका रहे होते हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी खानों में जो है प्याज डलता है और प्याज को आप भूनते हैं, उसकी खुशबू जो है वो फैल जाती है, तो हायर का हुड इस काम में बड़ा कारामद है। 200 वॉट्स की इसकी मशीन है जो सारे धुएँ को फौरी तौर से जो है कमरे से बाहर फेंक देती है, चाहे वो स्मेल हो उसको बाहर फेंक देगी और ये जो ग्रीस पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको भी ये बाहर निकाल देती है। वरना आपने देखा होगा अगर दीवारें गंदी हो रही होती है, छत गंदी हो रही होती है, तो ये ग्रीस पार्टिकल्स को भी जो है उस कमरे से निकालता है। तो ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके किचन के लिए साफ सुथरा। इतने महंगे महंगे किचन बनाते हैं तो खूबसूरत किचन होता है, तो उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए हायर का होड बहुत अच्छा है। तो इसके साथ ही नाज़िया मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।